हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी एंड यू वाचिंग मॉम एम्स ऑफ वर्ल्ड। आई होप सो आप सब खैर और आफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सो मामी। एंड इट्स अबाउट द 15th ऑफ जून और ये है हमारा स्नैक इवनिंग का। एंड टुडे बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है फॉर आवर फैमिली, बिकॉज जिस टाइटल से मैंने अपनी यूट्यूब की शुरुआत की थी और उनका ही आज बर्थडे है। सो टुडे वी आर गिविंग अ सरप्राइज, और हम हमेशा घर पे ही केक बनाते हैं और आज भी तो मम्मी के स्पेशली के बर्थडे पे कुछ स्पेशल हो जाता है, क्योंकि जब आप कुछ अपने हाथ से करते हो ना और वो चीज़ की एक हैप्पीनेस एंड सरप्राइज ही अलग होता है। तो हम वैसे भी मम्मा का डे है तो हम ज़रूर जाहिर से चाहेंगे कि अपनी मेहनत से बनाए ताकि उनको दिखे। वैसे भी हम लोग साल भर काम वैसे भी मम्मा का नहीं दिखता है। एंड यहाँ पे हमने ओरियो बिस्किट लिया है 3 to 4 पैकेट, एंड ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके कौन से बिस्किट लेते हैं। एंड देन इसमें सेपरेट कर दिया है हमने इसकी क्रीम, एंड यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें हल्का 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 आप अच्छे तरीके से मिल्क डालते रहें और इसको अच्छे तरीके से इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लें। उसके अलावा आप यहाँ पर लें इनो, एंड इनो को तुरंत डालने के बाद अच्छे तरीके से देन एक पैन लें, उसमें से हल्का सा बटर या आयल ग्रीस कर लें एंड इसको 250 डिग्री या 180 पर आप इसको 30 मिनट्स के लिए अपने ओवन में बेक कर लें। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी एंड बहुत यमी बनता है, आप बनाइएगा, मुझसे शेयर ज़रूर करना आपको। एंड जो हमने यहाँ पे सेपरेट किया था अपनी क्रीमी का पार्ट, उसका बनेगा बहुत अच्छा एक डेकोरेशन फ्लावर, हम इसमें यूज़ करेंगे, बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, वाकई जब आप अपने से बनाते हो ना तो उसमें एक इंजॉइंग आप मोमेंट भी होता है और प्लस एक हैप्पीनेस भी होती है। और उसके अलावा जब किसी को सरप्राइज करते हैं अपने हाथ से कुछ बनाकर तो उसका जो एक क्रिएटिंग मोमेंट होता है ना वो वही जानता है जो सरप्राइज करता है। ट्रस्ट मी, आप भी करिएगा और देखिएगा, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। तो यहाँ पर बन रही हैं फ्लावर, एंड देन यहाँ पे देखिए हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया। एंड इसको आप अपनी फ्रीज़र में फ्रीज करिएगा या तो फिर आप आइस क्यूब के अंदर भी रख लें ताकि ये अच्छी तरीके से बिल्कुल सॉलिड हो जाए। एंड सॉलिड होने के बाद जब आप अपना केक देखिए, माशाल्लाह से प्रिपेयर हो गया है, बहुत ब्यूटीफुल जितना देखने में लग रहा है। एंड माशाल्लाह से बहुत मज़े का ये खाने में भी था। तो इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लें, डेकोरेट करने के बाद इसको सेपरेट प्लेटिंग भी कर सकते हैं या तो फिर आप इंडिविजुअल प्लेट में भी रखें, नो प्रॉब्लम। एंड इसकी आप अपने हिसाब से इसको सजा भी सकते हैं। फ्लावर्स जैसे हमने क्रीमिंग जो अलग की है, फ्लावर्स के अलावा भी बहुत अलग अलग शेप्स के बन सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाते हैं। हमने खैर यहाँ पर रोज़ी सेलेक्ट किया था बनाने के लिए। एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत डेकोरेशंस और हो रही हैं, डेकोरेशन बिल्कुल भी ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमें जैसा समझ आया हमने वैसे ही किया और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप भी बनाइएगा और मुझसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आप सबको मेरा केक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन केक बन गया है और यहाँ पर चलिए छोटी सी डेकोरेशन। तो ये है फुल तरीके से मेरा पार्ट डेकोरेशन करने का और इससे फिर मैं बहुत मंगूर हूँ। एंड देन ये छोटा सा डेकोरेशन तैयार हो गया। अब बारी है सरप्राइज़ देने की और केक कटिंग की। एंड ट्रस्ट मी, मम्मी इतनी ज़्यादा सरप्राइज़ थी और उनको बहुत अच्छा केक लगा था, सब कुछ केक लगा था। वैसे बोलती नहीं क्या करोगे बर्थडे सेलिब्रेट करके, एंड जब वो होता है ना बहुत अच्छा फील होता है। दैन हमारा जो पार्ट था वो तो कम्प्लीट, और अब है ट्रीट देने का पार्ट। जी हाँ, तो मम्मी का ये पार्ट है ट्रीट देने का। तो मम्मी ने बनाया बहुत ज़्यादा यमी एंड टेस्टी आपका चिकन मसाला टिक्का, एंड इसके अलावा यहाँ पर आपकी दोस्ती रोटी। तो उसमें इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मतलब हाँ, इन्होंने एकदम दिल से सरप्राइज़ अपनी ट्रीट को हम सबको दिया था। उन्होंने कहा ठीक है, आज मैं भी अपनी तरफ से ट्रीट देती हूँ। तो
तो यहाँ पे बन रही हमारी ये दोस्ती रोटी, ये ऐसे रुमाली रोटी भी है लेकिन उसका थोड़ा सा मेथड अलग होता है। और यहाँ पे बन रहे हैं चिकन, चिकन को 250 आप अपने प्री हीट पे डाल दें, चिकन ड्राई टिक्का मसाला, एंड ट्रस्ट मी इतना मज़े का था, इतना ज़्यादा डिलीशियस, मतलब वाकई सच्ची में मम्मी ने एकदम सरप्राइज कर दिया था। वैसे भी माशाल्लाह से हम अच्छा हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा डिफरेंट ही चिकन को बना के खाते हैं, बट हाँ इस बार बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। एंड इसमें एक बहुत यूनिक चीज़ ये है कि आप चाहें इसको 250 डिग्री पर आप अपने ओवन में भी बना सकते हैं, और इसके अलावा भी आप इसे अपने गैस पे बना सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें जो स्मेल आती है ना, एक स्मोकी स्मेल आती है, वो बहुत लाजवाब होती है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, जिस तरीके से मम्मी ने ट्राई किया है, तो इसका एक अलग ही टेस्ट निकल कर आता है। आप अपने ओवन में भी ऐसा टेस्ट ला सकते हैं, लेकिन हाँ दोनों तरीके से मैंने ट्राई किया और दोनों ही में जो सबसे बेस्ट था वो इस तरीके से था। एंड देन इसकी अच्छी से प्लेटिंग हो गई है, ग्रीन चटनी बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरी फेवरेट है, तो ये मैंने ही बनाया तो ग्रीन चटनी एंड देन सैलड या आनियन के साथ। एंड ये है हमारी दोस्ती, इसको आप रुमाली रोटी भी कहते हैं, रुमाली रोटी का एक थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये दोस्ती रोटी आते हैं। एंड माशाल्लाह से वाह क्या डिनर था एंड क्या दिन था, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बिल्कुल भी पता ना भूलें कैसा व्लॉग लगा, आज का व्लॉग कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, हाँ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, बाय बाय।